जंगल में चुन्नी चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। उसका पति मजदूरी करके जो लाता उसी से घर चलता था। एक दिन चुन्नी चिड़िया के पति मजदूरी करने जा रहा था तो उसको एक शिकारी ने पकड़ लेता है। चुन्नी घर में अकेली हो जाती है। अब उसके पास कमाने वाला कोई नहीं था। बेचारी चुन्नी अपने बच्चों के कैसे पालती। माँ मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। चुन्नी के घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था तो अपने बच्चों को क्या देती। तभी चुन्नी अपने पड़ोसी संजू के पास जाती है और बोली, बहन संजू, मेरे बच्चे बहुत दिन से भूखे हैं, तुम मुझे कुछ खाने को दे दो तो मैं अपने बच्चों को खिलाऊंगी। मुझे जब काम लग जाएगी तो मैं तुम्हारा खाना वापस कर दूंगी। लेकिन संजू बहुत खराब थी। नहीं नहीं, मेरे पास अभी कुछ नहीं है, मैं तो अपने बच्चों को पानी पिलाकर रखती हूँ। तो चुन्नी ने उदास होकर वहाँ से सारस के घर जाती है। सारस भैया, मेरे बच्चे कई दिन से कुछ नहीं खाई है, आप मेरे मदद कीजिए। तभी सारस ने चुन्नी को खाना देता है और बोलता है, चुन्नी, तुम्हारा पति के बारे में सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। मेरे पास एक काम है, बोलो तो बात करते हैं। चुन्नी बोली, हाँ हाँ भैया, मुझे तो अभी काम का बहुत जरूरत है। सारस भैया, आप मुझे काम दिला दीजिए, मैं जरूर करूँगी। तभी सारस ने चुन्नी को लोमड़ी के पास ले जाता है। सारस ने लोमड़ी से बोला, लोमड़ी भाई, आपने काम के लिए बोले थे, वह काम चुन्नी को दे दीजिए। चुन्नी की हालत अभी बहुत खराब है। तो लोमड़ी ने कहा, भाई सारस, मेरे पास तो एक ही काम खाली है, वह काम खेती का है, अगर करेगी तो ठीक है। हाँ हाँ मालिक, मैं जरूर करूँगी। तो चुन्नी ने सारस के दिए खाना को अपने बच्चों को खिलाती है और कहती है, अब दुख नहीं होगा, पेट भर खाना मिलेगा, बच्चों मुझे अब काम मिल गई है। और इतना कह कर चुन्नी अपने बच्चों को साथ लेकर लोमड़ी के घर आ जाती है। और चुन्नी रोज अपने काम पर जाती और जो भी लोमड़ी खाना पैसा देता उसे खाना को सारे मिलकर खाती और पैसे से अपने ज़रूरतें पूरा करती। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आप लोग हमें भी सपोर्ट करें।